हिट एंड रन कानून के खिलाफ एक बार फिर से ड्राइवर सड़कों पर आ गए हैं। नए साल के साथ इस कानून के खिलाफ विरोध की शुरुआत हुई थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में ड्राइवर महासंगठन के आह्वान पर 65,000 से ज्यादा बस और ट्रक के ड्राइवर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ड्राइवरों के इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ हाईवे परिवहन संघ ने भी समर्थन दिया है। ड्राइवर महासंगठन ने ये ऐलान किया है कि जब तक कानून को वापस नहीं लिया जाएगा ये आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन का असर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में देखने को भी मिला। बता दें कि हाल ही में जब देश भर में ड्राइवरों ने हड़ताल की थी तो देश के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। लोगों को पेट्रोल और डीजल के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ा था। इसके अलावा गैस सिलेंडर की भी कमी हो गई थी। नए साल के पहले दिन ही हड़ताल होने से लोगों को काफी परेशानी हुई थी। ड्राइवरों की हड़ताल के बाद हालात बिगड़ते देख 2 जनवरी को देर रात सरकार के साथ यूनियनों ने भी ड्राइवरों को काम पर वापस लौटने की अपील की थी। इस अपील के बाद ड्राइवर हड़ताल खत्म करके काम पर लौट आए थे। दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन पर सख्त कानून बनाते हुए 10 साल की जेल और 7,00,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया था। इसी के खिलाफ ड्राइवर इस प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। बातचीत के दौरान सरकार की ओर से कहा गया था कि नए कानून और प्रावधान लागू नहीं हुए हैं। इस पर कोई भी फैसला ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ बातचीत के बाद लिया जाएगा। हालांकि इस कानून को लेकर केंद्र सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं और अभी ये लागू नहीं हो पाया है। नए कानून को लेकर ड्राइवरों के अपने तर्क हैं, लेकिन भारत में हिट एंड रन के आंकड़े काफी भयावह हैं। ऐसे में भले ही ये कानून लागू ना हो पाया हो, लेकिन उन वजहों को समझना जरूरी है जिस वजह से ये कानून लाया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में कुल सड़क दुर्घटनाओं में और इसमें होने वाली मौतों में हिट एंड रन मामलों की हिस्सेदारी 14.6% और 18.1% थी। वहीं साल 2021 में ये संख्या 16.8% और 11.8% थी। हालांकि भारत में सड़क दुर्घटनाओं या फिर इसमें होने वाली मौतों की कोई भी बड़ी वजह नहीं है, जैसे आमने सामने की टक्कर, पीछे या साइड की टक्कर, एक्सीडेंट और इसमें होने वाली मौतों में इनकी लगभग बराबर की हिस्सेदारी है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 72% और इन सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हुई हैं 71%, जिसमें वजह तेज रफ्तार थी। वहीं हिट एंड रन कानून के विरोध में और कई राज्यों में भी हड़ताल की बातें कही जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 11 से 15 फरवरी तक हड़ताल होने की बात कही जा रही है, लेकिन इस हड़ताल पर राज्यों की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े लोगों के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।